हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीके मोहन बगान एफसी के सेंट्रल मिडफील्डर जॉनी काउको के संपर्क में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जॉनी काउको के जाने के बाद एटीके मोहन बगान एफसी का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा डाउन हुआ है। उनके जाने के बाद एटीके मोहन बगान एफसी को जहां टॉप टू में फिनिश करना चाहिए था, वहां एटीके मोहन बगान एफसी प्लेऑफ्स के लिए कुछ दिनों पहले ही लड़ाई कर रही थी, लेकिन फाइनली एटीके मोहन बगान एफसी ने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है। लेकिन दोस्तों, जॉनी काउको के जाने के बाद पूरा गेम प्लान ही चेंज करना पड़ा था कोच जुआन फर्नांडो को। तो दोस्तों, एफसी गोवा के मैच में एसीएल इंजरी हुआ था जॉनी काउको को, और उसी के कारण पूरे सीजन से ही रूल्ड आउट हो चुके थे जॉनी काउको। लेकिन दोस्तों, सारे एटीके मोहन बगान एफसी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि जॉनी काउको धीरे धीरे फिट हो रहे हैं, रिहैब सेशन में हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जॉनी काउको विद द बॉल भी खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे कि उन्होंने अपने ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये डाला है कि वो बॉल के साथ जगलिंग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है एटीके मोहन बगान एफसी फैंस के लिए, क्योंकि जॉनी काउको फुल्ली फिट तो नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी फुल फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, जॉनी काउको जल्द से जल्द एटीके मोहन बगान एफसी में वापसी करे, यही एटीके मोहन बगान एफसी के फैंस चाहते हैं। तो दोस्तों, जॉनी काउको के इस स्टोरी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि और ज़्यादा समय नहीं लगेगा जॉनी काउको को वापसी करने में। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में जॉनी काउको फुल्ली फिट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। और समर ट्रांसफर विंडो में जॉनी काउको का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एटीके मोहन बगान एफसी के साथ। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या जॉनी काउको एटीके मोहन बगान एफसी में वापसी करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर देगी एटीके मोहन बगान एफसी या फिर नहीं? मेरे ख्याल से तो देना चाहिए। आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।